ये कहानी 16 साल के रोजन नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सारी औरतों के साथ घबा घब करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है और वो अपने इस महान काम को किस तरीके से अंजाम देता है वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स और ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 16 साल के रोजर को देखते हैं। रोजर अपनी स्कूल की छुट्टी की वजह से अपने घर आ रहा था तब उसके घर की एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है और घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर उसे घूरने लगता है। ये चीज मिस लपीते भी नोटिस करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। घर पहुंचने पर रोजर की माँ से पूछती है तुम्हारी पैंट पर मेयोनीज कहां से लगी लेकिन यहाँ हम भी उसको पता है कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए मिस लपीते हिलते हुए पपीते देख के रोजर खुद को नहीं रोक पाया था। तभी रोजर की मौसी मार्गरेटा उसे बोलती है कि इस उम्र में ये सब चीज नॉर्मल है और ये कह के वो रोजर की पैंट साफ करने लगती है। रोजर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम बर्था था। उसके बाद बर्था रोजर को जंगल में ले जाती है जहाँ मिस लपीते भी थी। तभी लपीते रोजर के सामने ही साइड में जाके हल्की होने लगती है और ये देखकर रोजर की आंखें बाहर आ जाती है। उसके बाद रोजर को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब रोजर वहाँ पे देखने के लिए जाता है तो वहाँ उसे उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी और के साथ जंगल में मंगल करती हुई दिखाई देती है जिसके बाद रोजर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम पूरी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि रोजर की माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शाम को रोजर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोड़ी बनकर खड़ी है और कोई उसके पीछे से बजा रहा है। ये देखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वापस सोने के लिए चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बहन बर्था छुपी हुई थी। तब बर्था उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताया कि हमारी मासी मार्गरेटा अभी भी वर्जिन है जिस पर रोजर उसे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यों है। जिस पर बर्था उसे बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तभी वहाँ अचानक से नैनी केट आ जाती है और केट का काम बर्था का देखभाल करना था। बर्था के वहाँ से जाने के बाद केट रोजर का ब्लैंकेट हटाती है जिस पर रोजर अचानक से डर जाता है क्योंकि रोजर का पप्पू खड़ा हो गया था और उसे देखने के बाद केट भी उसे थोड़े बहुत मजे ले लेती है। अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहाँ उसके घर की सारी मेड नहाते नहाते एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर कर रही थी। बर्था और रोजर अपने घर के चार मेड को छुपके से देख रहे होते हैं। तभी नदी के किनारे के पास तीन नमूने आ जाते हैं और ये तीनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तीनों अपना पप्पू बाहर निकल के उन मेड्स के सामने ही हल्के होने लगते हैं और वो अपना स्पाइडरमैन उन मेड्स को दिखाने लगता है। तभी उर्सुला बोलती है कि तू शेर तो मैं सवा शेर हूँ और उर्सुला उन तीनों को अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है और उसके पिछवाड़े के दर्शन बर्था और रोजर पेड़ के पीछे छुपके से कर रहे होते हैं। अगले दिन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे फोरहेड किस करके वहाँ से चली जाती है जिस पर रोजर सोचता है कि मेरे अंदर कांटे लगे थे क्या। तभी बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है जहाँ दोनों छत पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ मार्गरेटा आती है और वो चर्च के पादरी से अपनी सारी बातें बताने लगती है और वो पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहाँ आया है तब से हर रोज मैं सपने में उसके साथ धक्का फील करती हूँ और ये सारी बातें रोजर भी सुन रहा था। ये सुनने के बाद रोजर बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसके बाद वो पादरी के जस्ट बगल में गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर की माँ के पास ले जाता है जिस पर रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि आप ही बताओ कि मैं इन दोनों के साथ क्या करूँ जिस पर पादरी उसे बताता है कि तुम रोजर के पिछवाड़े पे मार मार के उसके बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दो तभी इसे समझ आएगा और ये काम मार्गरेटा अपने शुद्ध हाथों से करेगी तो इसे ज्यादा मजा आएगा। तब रोजर की माँ मार्गरेटा से बोलती है कि तुम एक हंटर लो और शुरू हो जाओ। पहले तो मार्गरेटा ये करने से मना करती है लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने के बाद वो ऐसा करने लगती है और वो रोजर के पिछवाड़े पे हंटर मार मार के उसे बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देती है। रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हेलन किसी से ठुकवा रही थी और आज भी उसे बस हेलन ही दिखती है उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन इस बार रोजर अकेले इस नजारे का मजा नहीं ले रहा था बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ अचानक से रोजर के पास उर्सुला आती है और वो उसे बोलती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े में मूव लगा दूं। इतना मार खाने के बाद दर्द भी तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा जिस पर रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद रोजर उसे पूछता है कि हर रात हेलन को कोई पीछे से बजाता है क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है जिस पर वो रोजर से बोलती है कि ये हम मेड का टॉप सीक्रेट है। तब रोजर को ख्याल आता है कि उसने अकेले इस शो को नहीं देखा था बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को एंजॉय कर रहे थे जिसके बाद रोजर सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है जहां मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मियां खलीफा को देखने की ख्वाहिश में पैंट में हाथ डाल के अपने स्पाइडरमैन को तसल्ली दे रहे थे और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रैंक वहां से चले जाते हैं। तब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है और उसे नीचे दो शादीशुदा एलियन एक साथ कुत्ता डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तब रोजर को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने स्पाइडरमैन की मसाज क्यों कर रहे थे। अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें द ग्रेट सनी लियोनी की कहानियां थी और रोजर उस किताब को बड़ी शिद्दत से छुपा लेता है और जाते वक्त उसे अपने मॉम डैड के कमरे में से घर घर खेलने की आवाज़ें सुनाई देती है और रोजर उसे लो क्वालिटी चीज़ से देखने लगता है लेकिन तभी उसे पीछे से एलिसा का फियांसे रोलांड उसे देख लेता है और वो रोजर को धप्पा कर देता है जिस पर रोजर उसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम प्लीज इस बात को किसी को मत बताना। इस बात पर रोलांड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अगले दिन रोजर घोड़ा गोदाम में वही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें सनी लियोनी की सफलता की कहानी लिखी हुई थी और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने पप्पू को भी मसाज दे रहा होता है लेकिन तभी वहाँ अचानक से थारा भाई जोगिंदर का फ्रेंच वर्जन आ जाता है और वो मौका देखते के साथ ही हेलन को खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर फंसा देता है और वो बाहर जाके साइड से हेलन की गैलन में पानी भरने के लिए जाता है। तभी हेलन की नजर रोजर पे पड़ती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है और जैसे ही रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है तो हेलन उसे बोलती है कि रुको जरा सबर करो और गैलन में पानी भरने दो। तभी रोजर बाहर निकल के देखने के लिए जाता है कि हेलन की गैलन में पानी कौन भर रहा है लेकिन तब तक जोगिंदर भाई अपना काम कर चुके थे। अगले सीन में रोजर अपनी फैमिली के साथ बैठा था जहां रोलांड रोजर को अपने जूते साफ करने के लिए बोलता है लेकिन रोजर काम करने से सीधा मना कर देता है। तभी रोलांड अपनी औकात दिखाता है और वो रोजर की माँ को उसकी सारी सच्चाई बता देता है जिस पर रोजर की माँ बोलती है कि मेरी दोनों बेटियां ठीक हैं लेकिन पता नहीं मैंने इस इमरान हाशमी को जन्म कैसे दे दिया। जिसके बाद रोजर अपनी सनी लियोनी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और वो वहां से छुपके देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं। उसके बाद एलिसा उस किताब को पढ़ के ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे धरती पर स्वर्ग मिल गया हो। उसके बाद रोजर किचन में जाता है जहां उर्सुला होती
लगती है और वो मौका देके उर्सुला को वही घोड़ी बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक दूसरी मेड आ जाती है और रोजर वहाँ छुप जाता है, जिसके बाद रोजर सोचता है कि मेरी ही किस्मत में एल लगे हुए हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती चलती है और वो मिस लपीते के पीछे उसके पपीते दबाने के लिए जाता है, जिस पर मिस लपीते उसे पहले मना करती है कि ऐसा मत करो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस लपीते उसे बोलती है कि रोजर मेरे बच्चे जितना बचाना है तुम बचाओ। लेकिन वहाँ रोजर की नोबिता वाली किस्मत चमक जाती है और बाहर कोई जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग का ऐलान कर देता है और सबको पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रांस से जंग का ऐलान कर दिया है। अगले दिन सब लोग युद्ध में जाने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रोजर की हालत ऐसी होती है जैसे उसने ढिंढोरा की लॉटरी जीत ली हो। लेकिन फ्रांस में एक नियम था कि वार में जाने से पहले वो सब लोग अपनी बीवी को टीवी के सामने घोड़ी बनाएंगे, जिसके बाद रात में सब लोग अपनी बीवी को जंगल में ले जाकर उसकी बजाने लगते हैं, जिस पर रोजर सोचता है कि ये बस आज रात की चानी है और इसके बाद तो इनकी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। सबके युद्ध में जाने के बाद सारी लेडीज अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है, जहां वो उसे ले देके घोड़ी बना ही देता है और वो उर्सुला से ये भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जिस पर उर्सुला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुख का आनंद लेने के बाद यही बोलते हैं। अगले दिन में बर्था रोजर से बोलती है कि पादरी मां से मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद ये दोनों भाई बहन चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं, जिस पर रोजर की मां पादरी से बोलती है कि मेरा पति मेरी कभी घोड़ी बना के लेता है तो कभी डॉगी बना के लेता है, इससे कोई पाप तो नहीं? जिस पर पादरी बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी घोड़ी बना के ले या तुम्हारी डॉगी बना के ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी रोजर की मां रोजर को देख लेती है और वो बिना देर किए बाहर आ जाती है। अगले दिन बर्था की नैनी केट हमें दिखाई जाती है और वो नदी किनारे बैठ के अपनी जुल्फे सवार रही थी, लेकिन तभी वहां रोजर भी आ जाता है और वो पानी में जंगली सूअर की तरह तैरने लगता है। पहले तो रोजर केट से मजे लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो भी राजी है तो वो मौके पे चौका मार देता है और वो दोनों वहीं पे घबाघब करने लगते हैं। अब रोजर पूरी तरीके से अल्टीमेट हरामी बन चुका था, जिस पर रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों का मटका मैं ही फोड़ूंगा। और अगले दिन रोजर का बाप छुट्टी लेके वहां आ जाता है और रोजर देखता है कि मार्गरेटा और केट उसके माँ बाप को घर का खेलते हुए देख रहे हैं, जिस पर रोजर उनसे बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा और ये बोल के वो वहां से घर में चला जाता है। ये देखकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और रोजर को वहां से भगाने लगते हैं, जिसके बाद मार्गरेटा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रोजर उसके कमरे में उसे धप्पा कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, तो आओ मैं तुम्हारा गेम बजा देता हूँ, जिसके बाद वो दोनों घबाघब करने लगते हैं। उसके बाद हम फिर से हेलन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेके आ रही थी, लेकिन इस बार युद्ध में जाने की वजह से उसकी बजाने वाला कोई नहीं था। तभी वो रोजर के कमरे में जाती है और रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे घोड़ी बना देता है। अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वो घोड़ों को घास खिला रही थी, जिस पर रोजर उसे बोलता है कि आज मैं तेरी भी पिक्चर बनाऊंगा। पहले तो एलिसा उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलती है कि हां मेरी पिक्चर बनाओ और हां पिक्चर में मुझे घोड़ी का रोल देना, जिसके बाद रोजर उसे भी घोड़ी बना देता है। अब रोजर सारी औरतों के बीच पॉपुलर हो गया था और सारी औरतें बारी बारी उसके पास काम परचेज करवाने के लिए आती थी। दिन बीतते जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तभी रोजर देखता है कि रोलांड भी वापस आ गया है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था। उर्सुला और मार्गरेटा भी उसे बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूं और ये सुनने के बाद रोजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को ये बात पता चली तो उसके मॉम डैड उसे नंगा करके सारी जगह घुमाएंगे। तभी रोजर उर्सुला से बोलता है कि एक नेल पॉलिश लेके आओ और वो उस नेल पॉलिश को एलिसा के बेड पे लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोलांड के साथ घबाघब कर लेना, जिससे रोलांड को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जिन है। उसके बाद वो अपनी मासी से बोलता है कि आप फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद रोजर उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करती थी। उसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और रोजर के कांड के बारे में किसी को कान कौन खबर नहीं होती और उसी रात रोजर फिर से हेलन के साथ घबाघब करता है और अगले दिन हेलन उसे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूं। लेकिन अब रोजर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा पति ढूंढ लूंगा, जिसपे हेलन बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ घबाघब किया है और मैं इस पे किसी का भी नाम लगा सकती हूं। उसके बाद रोजर अपने पापा के साथ खुशी खुशी वहां से चला जाता है और ये मूवी यहां खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 85% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।